हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता और आप सबका स्वागत है एम किचन लैब में। तो सीरीज चल रही है जिसमें कि अब मैं डालूंगी राजस्थान की दूसरी रेसिपी जो कि पंचरत्न दाल है। और ये काफ़ी डिलीशियस लगती है फ्रेंड्स, और बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। और आप जिस स्टेट से हैं, जो कोई भी आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और इस स्टेट वाइज सीरीज को आपने ज्वाइन यदि किया है, तो आप जिस स्टेट से हैं प्लीज़ अपने स्टेट की जो भी रेसिपी है मेंशन कीजिए, मैं तुरंत अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब होते ही बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये सीरीज की रेसिपी को आप ज्वाइन कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो पंचरत्न दाल बनाने के लिए हम एक बाउल में लेंगे 20 ग्राम मूंग की दाल, 20 ग्राम उड़द की दाल, और ये बिना छिलके वाली उड़द की दाल है, 20 ग्राम तुअर दाल ले लेंगे, और मसूर दाल भी हम 20 ग्राम लेंगे। सभी दाल जो है एक बराबर लेंगे, और चने की दाल भी 20 ग्राम लेंगे। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे। फिर हम इसे कुकर में डालेंगे पकने के लिए। तो हम डालेंगे दाल, इसमें हम डालेंगे 3 कप पानी, मीन्स कि 600 ml पानी हम डाल देंगे इसमें। और उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे, जैसे कि हम दाल बनाते हैं तो 1 छोटा चम्मच हल्दी। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और 2 तेज पत्ते डाल देंगे। डालेंगे 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल, जिस बाहर जब हम सीटी आएगा इसमें तो ये दाल जो है बल्कि बाहर नहीं गिरेगा, तो इसका ये बेनिफिट होता है। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्रेंड्स 5 से 6 सीटी आने तक अच्छे से पका लेंगे, फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने देंगे। कढ़ाई गर्म है, कढ़ाई में हमने डाला 3 बड़े चम्मच सरसों तेल, उस तेल गर्म हो चुका है, और उसमें डाल दिया हमने 1/2 चम्मच जीरा, खड़ी लाल मिर्च और हींग डाला हमने, और उसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए हम ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे फ्रेंड्स कटे हुए जो अदरक लहसुन चॉप्ड किए हुए हैं, उन्हें हम ऐड कर देंगे। तो जिसमें मैंने लिया था 1/2 इंच का अदरक, 2 हरी मिर्च और 5 कलियां लहसुन की थी। इस तरह से हम इन्हें भूनते हुए ब्राउन होने तक पका लेंगे फ्रेंड्स। जब ये ब्राउन हो जाएंगे मीडियम फ्लेम पे, अब हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, और अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और इसमें डाल देंगे। टमाटर कम नहीं डालना है, और पकने के लिए हम थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला है तो बैलेंस बना लेना है उन चीज़ों को। और अच्छी तरह से इसे ढक के हम टमाटर को गलने तक पकाएंगे। टमाटर जब अच्छी तरह से गल जाएगा तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। तो ढक देने से और नमक डाल देने से वो अच्छी तरह से गल जाएगा और मिक्स हो जाएगा उन सभी चीज़ों में, मसाले में, प्याज में। तो इस तरह से हमें टमाटर, प्याज, सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करके और पका हुआ जो बॉयल दाल है उसे हमें इसमें मिक्स कर देना है। और यदि नीड हो तो आप उसमें गर्म करके पानी को मिलाएंगे, 1/2 कप पानी हम उसमें ऐड करेंगे। अभी हमने डाला 2 छोटा चम्मच घी, और इस तरह से हमारा जो है दाल गाढ़ा हो रहा है। तो हम इस स्टेज में इसमें हम पानी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 1/2 कप पानी को गर्म किया है, बॉयल्ड है ये पानी, और इसमें मिक्स कर दूंगी। कभी भी आप उसमें बॉयल्ड पानी ही मिक्स करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स थोड़ा बॉयल आएगा इसमें, और हमारा दाल जो है वो बनके रेडी हो चुका है। और लास्ट में हम डालेंगे 1/2 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छी खुशबू दाल के अंदर आने लगी है। देखिए फ्रेंड्स, देखने में ये कितना डिलीशियस लग रहा है ना। कटी हुई धनिया की पत्तियों से हम इसे सजाएंगे, लास्ट में हम डाल देंगे इसमें। उसके बाद फ्रेंड्स हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो इस तरह से पंचरत्न दाल, इस तरह से फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता ही है। देखिए ये डिलीशियस दाल जो बन के रेडी हो चुका है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। थैंक यू फ्रेंड्स।